वेरी फाइन. अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी है, एंटरटेनिंग है और डिफरेंट है, रियली डिफरेंट है. एंड एक एक सीन में ऐसा है कि कहीं आप बोरिंग फील नहीं करते हैं, इस कंटिन्यूस स्टोरी फ्लो में जा रही है. वाज गुड, नॉट वेरी गुड बट वाज गुड. दैट वाज नाइस मूवी मैन, वेरी नाइस मूवी, इट वाज गुड. मूवी अच्छी लगी, एक्टिंग भी अच्छी लगी और शाहरुख खान का एक्टिंग भी बहुत अच्छा लगा. और शाहरुख खान के तो मैं सब फर्स्ट ही देखता हूँ, तो अच्छा है मूवी. स्टोरी डिफरेंट थी और बोरिंग स्टार्टिंग से थोड़ी बोरिंग लग रही थी, लेकिन एंड में बहुत अच्छी है. इंटरवल के बाद तो बहुत अच्छी है. पहले इंटरवल के पहले इतनी अच्छी नहीं थी, इंटरवल के बाद बहुत अच्छी थी. फैंटास्टिक, इट वाज वेरी गुड, ऑसम स्टोरी, आई लव्ड इट. लाइक बिग, आई एम नॉट अ बिग शाहरुख खान फैन, बट ऑसम, समथिंग न्यू एंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, समथिंग व्हाट शाहरुख खान हैज नॉट डन बिफोर. And it was awesome. किसकी pairing ज़्यादा अच्छी लगी, अनुष्का शाहरुख? नहीं, अनुष्का शाहरुख. मुझे लगा कि तीनों का डिफरेंट है, तीनों का अपना अपना जो रोल है ना, जैसे मैचिंग में आप समझे तो किसी के साथ, क्योंकि कटरीना का, शाहरुख का और अनुष्का का, तीनों का रोल और इतना डिफरेंट है और तीनों ने बहुत सुंदर तरीके से निभाया है. रियली आई लाइक दिस स्टोरी, दिस इज समथिंग डिफरेंट. रोजमर्रा की स्टोरी से ये बहुत डिफरेंट है. शाहरुख खान, ओनली शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ वॉज very hot in that film. The acting was good for only Shah Rukh Khan and Anushka Sharma. I love Shah Rukh Khan's acting as always. Anushka. Of course, Shah Rukh Khan. Honestly, Anushka. Anushka Shah Rukh. I like Anushka Sharma's acting. That was very tough. She did ever. Shah Rukh Khan also was looking very unique. He never did this type of acting in any movie. Anushka Sharma is a great actor. She has done amazing job. Katrina Kaif was also good. 3, 4 stars. 4.5. 4.75. 3.5. 4. 4.5. 4. 4. 4.5 stars. 5.75.